आई लव यू सो मच। सर आपका कार्ड ब्लॉक्ड है। क्या? नहीं 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 नहीं, जरूर कोई गलती हो गई होगी, देखो दोबारा कोशिश करो। क्या अब क्या हुआ? मेरी कंपनी बर्बाद हो गई, मैंने सारे पैसे गंवा दिए। जैसिका शायद डिनर के पैसे अब तुम्हें भरने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं कोई पेमेंट नहीं करने वाली हूँ और ना ही किसी गरीब आदमी से शादी करूंगी। एक्सक्यूज मी सर मैम, अगर बिल पे नहीं करेंगे तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो ठीक है, टेबल बुक किसने की है? इसने। खाना और शैंपेन किसने ऑर्डर किया है? इसने। तो आप इसे अरेस्ट कीजिए। पर मैम आपने साथ में डिनर किया था ना। ओ, ये गरीब दूसरे गरीब की मदद कर रही है। पर जैसिका। ठीक है मैं पुलिस को बुला रही हूँ। रुकिए, मैं पे कर दूंगी। तुम? क्या? पर क्यों? ठीक है पे कर दो। मुझे इस सब के लिए माफ करना। देखो तुम ये घड़ी रख लो, इसकी कीमत बिल से 3 गुना ज्यादा है। और I'm sorry. Thank you. Bye. उस पल मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत हमें साथ क्यों लाई है, और ना ही इस बात का अंदाजा था कि ये कंगाल बिलियनर मेरी लाइफ हमेशा के लिए बदल देगा। मैं हूँ शेरन और ये है मेरी लव स्टोरी। जैक, जैक प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरी बात सुन रहे हो ना जैक, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बाय, कल मिलते हैं। हाँ बाय। जैक हेलो, जैक सर आप ठीक तो हैं? तुम्हें क्या लगता है, मैंने अभी अभी फ्रेंच शैंपेन 2 बॉटल्स पी हैं और महंगा डिनर किया और घर तक जाने के लिए पैसे नहीं हैं। देखिए मैं आपको और पैसे तो नहीं दे सकती, पर आपको घर तक छोड़ सकती हूँ। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी दरिया दिली मेरे कितने काम आएगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये मेरा घर है। हम टैक्स ऑफिस से हैं। आपके घर को सीज किया जाता है, आपको यहाँ से जाना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये घर मेरा है। सर अगर आपने अंदर जाने की कोशिश की तो गिरफ्तार हो जाएंगे। ओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, गिरफ्तार करोगे करो, गिरफ्तार ना, गिरफ्तार करो। क्या हुआ? ये बस थोड़ी परेशानी में है। मार्टिन ये अंदर कैसे पहुंच गई? आपकी फियांसे अपना सामान ले रही है। ये मेरी फियांसे नहीं है। क्या ऑफिसर, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं हूँ उनकी फियांसे। क्या ये सच है? हाँ। आई एम सॉरी मैम, लेकिन आप ये सूटकेस नहीं ले जा सकती। क्या? मैं इस लड़की से पहले कभी नहीं मिला हूँ। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैं इसके फियांसे हूँ, ये मेरा सामान है ऑफिसर। तुम बहुत पछताओगे। तुमने मुझे फिर से बचा लिया। वैसे चलो चलते हैं। पर कहाँ पर? मेरी घर। तुम्हें सोने की जगह चाहिए ना? क्या तुम पागल हो? तुम मुझे जानते तक नहीं, मैं कोई सनकी या कातिल भी तो हो सकता हूँ। तो मैं बता दूं कि मैं कराटे जानती हूँ और उससे बहुत नुकसान होगा। कहने को लोग मुझे पागल ही कहते, मैं एक मिलियनेयर को जो भले ही अब कंगाल हो चुका था अपने छोटे से घर ले जा रही थी। माफ करना, ये तुम्हारे घर जितना आलीशान नहीं है। मेरे घर जितना ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ मैं पला बढ़ा था उसके मुकाबले में ये पार्क एवेन्यू है। ओह, सच में? हाँ, मैंने अपनी कंपनी को बड़ी मेहनत से बनाया था और अब देखो मैं फिर से वहीं पर आ गया। हाँ, बस इस बार मैं सच में बेघर हूँ। तुम यहाँ रह सकते हो।
तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अकेले रहना, वो भी बिना पैसे और बिना घर के, कैसा होता है। ये तो मैं नहीं समझ पा रहा, ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है, लेकिन मैं हर हाल में इसकी भरपाई जरूर करूंगा। क्यों ना इसकी शुरुआत यहीं से की जाए। इसका क्या मतलब है?